बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में ज़िक्र करूँगी एक ऐसे शख्स का जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी शान व शौकत से नवाजा। इसने किस तरह सबको अपना मती फरमा बरदार बना लिया और नबियों की ज़ुबानों से ऐसी कौन सी बात सुनी जिस पर वो सरकशी पे उतर आया। बात करूँगी आद के बेटे शदाद की। ये बड़ी शान व शौकत का बादशाह था। इसने अपने वक़्त में तमाम बादशाहों को अपने झंडे के नीचे जमा करके सबको अपना मती फरमाबरदार बना लिया। इसने पैगंबरों की ज़ुबान से जन्नत का जिक्र सुनकर दुनिया में ही जन्नत बनाने का इरादा किया। इस कदर सरकशी पर उतर आया कि इस इरादे से एक बहुत बड़ा शहर बनाया जिसके महल सोने चांदी की ईंटों से तमीर किए गए। यकूत के सुकून इन इमारतों में नसब किए गए और ऐसे ही फर्श मकानों के बनाए गए। संगरेज़ों की जगह आबदार मोती बिछाए गए। हर महल के गिर्द जवाहरात पर नहरें जारी की गई। किस्म किस्म के दरख्त जीनत और साये के लिए लगाए गए। अलगर्ज इस सरकश ने अपने ख्याल से जन्नत की तमाम चीज़ें और हर किस्म की ऐशो इशरत के सामान इस शहर में जमा कर दिए थे। जब ये शहर मुकम्मल हो गया तो शदाद बादशाह अपने अयान सल्तनत के साथ इसकी तरफ रवाना हुआ। जब एक मंजिल का फासला बाकी रह गया तो आसमान से एक होलनाक आवाज़ आई जिससे अल्लाह ताला ने शदाद और उसके तमाम साथियों को हलाक कर दिया। वो अपनी बनवाई हुई जन्नत को देख भी ना सका। मौजूद सामियात, हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा अपने गुमशुदा ऊँट की तलाश करते हुए सहराए अदन से गुजर कर इस शहर में पहुँचे और इसकी तमाम जीनतों और आरइशों को देखा, मगर वहाँ कोई रहने बसने वाला इंसान नहीं था। ये थोड़े से जवाहरात वहाँ से लेकर चले आए। जब ये खबर हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन कलाबा को बुलाकर पूरा हाल दरियाफ्त किया और उन्होंने जो कुछ देखा था सब कुछ बयान कर दिया। फिर हज़रत अमीर माविया ने हज़रत काब अहबार को बुलाकर दरियाफ्त किया कि दुनिया में कोई ऐसा शहर मौजूद है, तो आपने फरमाया हाँ, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। ये शहर शदाद बिन आद ने बनवाया था, लेकिन ये सब अजाब इलाही से हलाक हुए और इस कौम में से कोई एक आदमी भी बाकी नहीं रहा। और आपके ज़माने में एक मुसलमान जिसकी आंखें नीली, कद छोटा और उसका एक आइब्रू का तिल होगा, अपने ऊँट की तलाश करते हुए इस वीरान शहर में दाखिल होगा। इतने में अब्दुल्ला बिन कलाबा भी आ गए तो काब बिन अखबार ने इनको देख कर फरमाया, बाखुदा ये वही शख्स हैं जो शदाद की जन्नत को देखेंगे। कौम आद और दूसरी कौमों का हाल बयान करते हुए कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, अलम तवा कैफ फ़ाइला रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिथ्लुहा फिल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबू सख़्र बिल वाद وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب। ये आपने ना देखा आपके रब ने कौम आद के साथ कैसा किया। वो हद से ज़्यादा तूल वाले आद इरम के इन जैसा शहरों में पैदा नहीं किया गया और कौम समूद जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टानों को तराशा और फिरौन जो कि मेखा की सजा दिया करता था, इन्हीं लोगों ने शहरों में सरकशी की। फिर उन्होंने शहरों में बहुत ज़्यादा फसाद फैलाया तो इन लोगों पर आपके रब ने अजाब का कोरा बरसा दिया। अल्लाह ताला को बंदों की सरकशी, तकब्बुर, गरूर बेहद नापसंद है। इसलिए खुदावंद कुदूस का दस्तूर है कि हर सरकश और मुतकब्बिर कौम जिसने ज़मीन में अपनी सरकशी और जुल्म और दावत से फसाद फैलाया, इस कौम को कहरे इलाही ने किसी न किसी अजाब की सूरत में जाहिर होकर हलाक कर दिया। शदाद और कौम आद के दूसरे अफराद सब अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से खुदा के गज़ब के मुस्तहिक ठहरे। और जब इन लोगों का जुल्म अदावत हद से भर गया तो रूए ज़मीन का ज़रा ज़रा इनके गुनाहों और बदअमालियों से बुलबुला उठा और खुदावंद का हार जब्बार के अजाबों ने इन सब सरकशों और ज़ालमों को तबाह बर्बाद कर दिया और इनका नाम सफर हस्ती से ख़त्म कर दिया। लिहाजा इन कौमों के अरूजो जवाल इन लोगों के अजाब इलाही से पमाल होने की दास्तानों से इबरत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में इन अकवाम के अंजाम का जिक्र का मकसद भी यही है कि अहले कुरान की दास्तान सुनकर इबरत पकड़ें।
और खौफ इलाही से हर दम लड़ता रहे। मुसलमानों को लाजिम है कि कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करें और उनका तर्जुमा भी पढ़ा करें, इन अकवाम की हलाकत से इबरत हासिल करें और हर वक्त तौबा इस्तगफार करते रहें। हर किस्म की बद इत्तेकादियों और बद अमालियों से हमेशा बचते रहें और अमाल सालहा की कोशिश करते रहें। और खबरदार खबरदार मालो दौलत के गरूर और गुमान में सरकशी ना करें, तकब्बुर ना करें, बल्कि हमेशा दिल में खौफ खुदा रखें। तवाज़ो इंकसारी अपनी आदत बनाएं और जहाँ तक हो सके ज़िंदगी में अच्छे अमाल करें।